हेलो एंड वेलकम गाइज। तो हेल्थ प्रभा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे RUHS BSc नर्सिंग इंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस में काफ़ी सारा बदलाव होगा जी बिल्कुल स्टूडेंट, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो पुराने सिलेबस के आधार पर पढ़ रहे हैं, लेकिन इस बार काफ़ी जो है क्वेश्चन में भी चेंज होगा और सिलेबस में भी काफ़ी चेंज होगा स्टूडेंट, क्योंकि सिलेबस जो RUHS है वो सिलेबस जब भी आपके फॉर्म रिलीज होते हैं तब आपका सिलेबस रिलीज करती है और उसमें आपको काफ़ी कम समय मिलता है, केवल एक या डेढ़ महीना का समय मिलता है सिलेबस को कवर करने में। तो हमारा दायित्व है कि हम स्टूडेंट को पहले सिलेबस के बारे में जानकारी दें कि कौन कौन सा सिलेबस आ सकता है हमारे अनुभव के आधार पर। तो सिलेबस के में पूरी चर्चा इस वीडियो में होने वाली है। काफ़ी सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर हम NCERT पढ़ रहे हैं, और काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसा कहते हैं कि सर हम RBSC पढ़ रहे हैं, और काफ़ी सारे गाइड पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट इस वीडियो में पूरी आपकी जो है डाउट है वो क्लियर होने वाले हैं पूरे। तो स्टूडेंट बने रहे हमारे साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है सिलेबस के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की बात करें, सबसे पहले आपको पता है इसमें 11th ये बेसिक बातें हम करते हैं सबसे पहले यहाँ पर, फिर करेंगे पूरी चर्चा सिलेबस में क्या 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 बदलाव होगा और पूरा सिलेबस भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम सभी को स्टूडेंट को ये तो पता है कि 11th और 12th ये आते हैं दोनों, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी BSc नर्सिंग में 11th और 12th इन दोनों मतलब दोनों क्लासों की जो आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आती है, लेकिन इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कहाँ से पूछे जाएंगे ये काफ़ी बड़ा कन्फ्यूजन है स्टूडेंट। तो इस वीडियो में पता चलेगा आपको RBSC पढ़नी चाहिए, NCERT पढ़नी चाहिए या कौन से गाइड पढ़नी चाहिए। सबसे पहले हम बात करें कि क्या चेंज होगा इस बार, यह इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, जब भी हम RUHS की वेबसाइट पर जाते हैं स्टूडेंट, आप चेक कर लेना, वहाँ पर 2020 का सिलेबस मौजूद है। वहाँ पर BSc नर्सिंग में जाकर चेक कर लेना, आप 2020 का सिलेबस मौजूद है। और सिलेबस कौन सा मौजूद है? RBSC जी बिल्कुल स्टूडेंट, RBSC का मौजूद है। हम कहते हैं कि आपको NCERT पढ़नी चाहिए, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट हमें कमेंट करते हैं कि सर वहाँ पर सिलेबस केवल RBSC का मौजूद है और आप NCERT के बारे में बता रहे हो। तो हम इस वीडियो में आपका यही डाउट क्लियर करेंगे। देखिए स्टूडेंट, अब चल रहा है 2021, अब आपको पता है जो 2020 था उसमें सिलेबस कौन सा था जो स्टूडेंट पढ़ रहे थे 12th में। 12th के आधार पर आपका मान्य होगा, 12th के आधार पर चलती है, 12th में आधार पर 2020 में था RBSC था 2020 में, उसी के आधार पर 2020 वालों बेंच का जो सिलेबस था वो भी RBSC था। लेकिन अब 2021 में आपको पता है करंट में जो आपका 12th का सिलेबस है वो कौन सा है? NCERT जी बिल्कुल स्टूडेंट, जो राजस्थान में 21 है अभी जो सेशन चल रहा है उसमें 12th का सिलेबस कौन सा है? NCERT, सभी स्टूडेंटों को पता होगा स्टूडेंट। तो RUHS में कौन सा सिलेबस पूछा जाता है? वही सिलेबस पूछा जाता है जो करंट में चल रहा है जी बिल्कुल स्टूडेंट। अब इस हिसाब से देखा जाए तो करंट में NCERT चल रहा 2021 में, जबकि 2020 में कौन सा चल रहा था? आपका RBSC कोर्स चल रहा था। तो 2020 में तो RBSC से पूछे गए थे क्वेश्चन और काफ़ी सारे NCERT से पूछे गए थे, और सिलेबस भी RUHS ने कौन सा डाल रखा था? RBSC। लेकिन इस बार क्या होगा, सिलेबस हो सकता है, जहाँ तक हो सकता है इस बार सिलेबस 2021 में NCERT आ सकता है जी बिल्कुल स्टूडेंट, क्योंकि RUHS फॉरम जो सिलेबस कब रिलीज करता है? जब आपके फॉरम अप्लाई होना शुरू होंगे तभी आपके जो है सिलेबस रिलीज करेगा। तो स्टूडेंट हम चाहते हैं कि NCERT है वो आपका इस बार सिलेबस है वो आपको देखने को मिलेगा जब आपके फॉरम रिलीज होंगे। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट है वो कन्फ्यूज हो गए कि सर हम तो RBSC पढ़ रहे हैं, हमारा क्या होगा और इसमें क्वेश्चन नहीं आएंगे तो क्या होगा, NCERT पढ़नी पड़ेगी क्या? काफ़ी सारे डाउट आ रहे हैं। तो पूरा डाउट तो क्लियर करेंगे इस वीडियो में, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जो RBSC पढ़ रहे हैं वो RBSC पढ़ें, और जो NCERT पढ़ रहे हैं वो NCERT पढ़ें। इस तो चलिए आगे बात करते हैं। अब जो RBSC जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो RBSC क्यों पढ़े इसकी चर्चा भी करेंगे और NCERT की भी चर्चा करेंगे। जो स्टूडेंट NCERT पढ़ रहे हैं उनको तो कोई मतलब कोई समस्या नहीं है, क्योंकि NCERT सबसे पहले हम बात करते हैं RBSC, जो स्टूडेंट RBSC पढ़ रहे हैं उनके लिए कोई मतलब कन्फ्यूजन की बात नहीं है। हम यहाँ पर कौन कौन से आपके सेलेक्टेड टॉपिक बताएंगे जो आपको पढ़ना है RBSC में, सेलेक्टेड टॉपिक यानी कि जो टॉपिक RBSC में भी चलते हैं, जो टॉपिक NCERT में चलते हैं, लेकिन काफ़ी सारे टॉपिक है जो RBSC में अधिक हैं वो NCERT में नहीं है।
इन दोनों में क्या अंतर है डिफरेंट, कि एनसीईआरटी में आपको शॉर्ट फॉर्म में यानी कि पूरा सिलेबस दे रखा है जो मेन मेन टॉपिक है, जबकि आरबीएसई में क्या होता है कि आपका जो मतलब पूरी डिटेल वाइज सिलेबस इसमें दे रखा है स्टूडेंट, तो काफ़ी सारे हार्ड हो जाता है इसमें, और बाकी ज़्यादा डिफरेंट नहीं आता है इसमें सिलेबस में। तो जो आरबीएसई पढ़ रहे हैं वो आरबीएसई पढ़ रहे, जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी, फ़र्क इतना है कि हम आरबीएसई पढ़ रहे हैं उन स्टूडेंटों को सिलेक्टेड टॉपिक सेलेक्ट करवा देंगे कि वो टॉपिक पढ़िए आप, उनमें क्वेश्चन आने के चांस है। देखिए स्टूडेंट, हम 100% गारंटी नहीं लेते, लेकिन हमने केवल स्टूडेंट की हेल्प के लिए ये वीडियो बनाया, तो आप आरबीएसई तो पढ़ रहे हो लेकिन हम सिलेक्टेड टॉपिक बता रहे हैं उन पर आपको ज़्यादा फोकस पक करना है, बाकी आप आरबीएसई पढ़े। और जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी बहुत ही बढ़िया है, और जिन्होंने अभी बुक नहीं खरीदी है तो खरीद रहे हैं, केवल एनसीईआरटी खरीदे स्टूडेंट। तो ये था, तो अब जो 2021 में सिलेबस आएगा वो एनसीईआरटी का आ सकता है स्टूडेंट। ये तो रहेगी 11th और 12th की बात, दोनों की चर्चा करेंगे, आरबीएसई में कौन सा टॉपिक पढ़ने, एनसीईआरटी में कौन से टॉपिक पढ़ने स्टूडेंट। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, जिस स्टूडेंट ने ये वीडियो मिस कर दिया समझो वो काफ़ी कुछ मिस कर दिया। तो स्टूडेंट ये तो होगी, इन दोनों की चर्चा तो हम करने वाले हैं, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी लंबा भी होने वाला है। तीसरी बात करते हैं हम गाइड की, जो गाइड अलग से आती है स्टूडेंट, जो बीएससी नर्सिंग करे करने के लिए काफ़ी सारी गाइड यानी काफ़ी सारी बुक आती हैं अलग से, जैसे आपकी अरियंत की हो गई और समय की हो गई, और भी काफ़ी सारी बुक आती हैं जैसे प्रभात की हो गई। तो क्या सर वो बुक हमें पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, और कौन सी बुक पढ़नी चाहिए? देखिए स्टूडेंट, ये बुक आपके लिए मतलब इनमें क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर, काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन दिए हुए हैं, और जो एक्सपर्ट होते हैं यानी कि जो एग्जाम के जानकार होते हैं उनके द्वारा ये बुक तैयार की गई है, तो इन्हें आप पढ़ सकते हो, इनमें कोई वो नहीं है स्टूडेंट। इससे क्या है कि आप इन्हें कब पढ़ सकते हैं, जब या तो आपकी 11th और 12th जो कंप्लीट हो चुकी है, और उसके बाद गाइड का आप हेल्प ले सकते हैं, यानी कि आपने 11th 12th कंप्लीट कर लिया, अब क्या करें फिर गाइड यानी। और जिन स्टूडेंट ने 11th 12th बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं, उनके लिए भी गाइड बहुत ही अच्छी बुक है, क्योंकि उनमें शॉर्ट फॉर्म में पूरा सिलेबस कवर हो जाता है, तो आपको गाइड पढ़नी चाहिए, बिल्कुल बहुत ही अच्छी बुक है। और बुक कौन, अब बात रहेगी कि सर कौन सी बुक पढ़ें, बुक पर हमने एक स्पेशल वीडियो बना दिया, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर सिंपली एक्सेस कर सकते हैं। और अभी आपका काफ़ी सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर हम गाइड पढ़ तो लेंगे क्या, अभी आपका गाइड पढ़ने का ही समय है स्टूडेंट, क्योंकि गाइड कब पढ़ी जाती है, जब एग्जाम नज़दीक हो आपके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर काफ़ी सारे उसमें दिए हुए थे, तो आपको गाइड अभी पढ़ने का समय है। जिन स्टूडेंटों ने नहीं खरीदी है फटाफट परचेज की दिया, बहुत ही सारी बुक हमने एक वीडियो में पूरी कवर की, ये इंपॉर्टेंट आप जाकर सिंपली नीचे पढ़ सकते हैं स्टूडेंट। तो ये तो रही गाइड की बातें, तो अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी और आरबीएसई, गाइड की बात ही यहीं समाप्त करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले आपको यहां पर एनसीईआरटी के बारे में बताते हैं, फिर बात करेंगे आरबीएसई के बारे में। इसको एनसीईआरटी इस वीडियो को देखने के बाद सिलेबस के आपके सिलेबस से संबंधित हमें उम्मीद है आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा। सबसे पहले बात करते हैं एनसीईआरटी। देखिए स्टूडेंट, एनसीईआरटी 11th और 12th ये आपको दोनों पर विशेष ध्यान देना है। हम ये काफ़ी पिछले वीडियो में हमने ये बता रहे हैं कि आपको 11th 12th वो 85% आपको पढ़नी है, 85 to 12th में ये काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे। लेकिन जो स्टूडेंट एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, यदि उन्होंने केवल 12th पढ़ी तो वो बहुत ही लॉस में चल रहे हैं स्टूडेंट जी, बिल्कुल स्टूडेंट, क्योंकि काफ़ी सारे आपने काफ़ी सारे और दूसरे चैनल पर भी देखा होगा और अधिक सोशल मीडिया और अन्य मतलब पढ़ा होगा और देखा होगा कि काफ़ी सारे बताते हैं कि केवल 12th पढ़नी है, 12th से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन ये किसके लिए, ये आरबीएससी के लिए अलाउड है। एनसीईआरटी में क्या है, एनसीईआरटी में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो तो आपके 11th में दे रखे हैं जी, बिल्कुल स्टूडेंट। तो मान लो आपने 11th नहीं पढ़ी तो आपका नंबर कैसे आएगा स्टूडेंट? तो ये किसके लिए अलाउड है, केवल बायोलॉजी के लिए, ये बायोलॉजी में दे रखा है स्टूडेंट। जबकि फिजिक्स और केमिस्ट्री तो आपको 12th पर ज़्यादा फोकस करनी है, लेकिन बायोलॉजी में हम बता रहे हैं कि आपको 11th और 12th दोनों को 50-50 पढ़ना है, यानी कि दोनों को बराबर पढ़ना है और दोनों को अधिक पढ़ना है स्टूडेंट। हालांकि फिजिक्स और केमिस्ट्री एनसीईआरटी में आप 12th पर फोकस कर सकते हो, थोड़ा बहुत 11th पर भी कर लेना, लेकिन आपको बायोलॉजी में क्या है, 11th और 12th दोनों में पढ़नी है स्टूडेंट। यदि किसी स्टूडेंट ने एनसीईआरटी, कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है और केवल 12th पढ़ रहा है बायोलॉजी, तो समझो काफ़ी यानी कि बहुत ही कुछ अधिक क्वेश्चन है वो 11th में पूछे जाएंगे और बहुत ही अधिक कुछ मिस कर रहा है वो स्टूडेंट, ये समझ लेना स्टूडेंट। क्योंकि आरबीएससी में तो 11th जो आरबीएससी है उनमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो 12th में दे रखे हैं, लेकिन एनसीईआरटी में क्या है,
ट्वेल्थ और इलेवंथ दोनों में दे रखे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो हम बताएंगे आपको कि इलेवंथ और ट्वेल्थ आपको किस प्रकार पढ़नी है। तो स्टूडेंट एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में आपको क्या पढ़नी है, यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये तो आप ट्वेल्थ से पढ़ सकते हो, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। जबकि किसी स्टूडेंट ने मान लो ट्वेल्थ पहले कंप्लीट करनी है, इनमें से लगभग क्वेश्चन ट्वेल्थ में पूछे जाएंगे, और जिस स्टूडेंट ने फिजिक्स केमिस्ट्री ट्वेल्थ की कंप्लीट कर ली है वो इलेवंथ की पढ़ सकता है। और हम बात करें आपकी बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी को आपको दोनों को पढ़नी है जी बिल्कुल स्टूडेंट, इलेवंथ और ट्वेल्थ, क्योंकि दोनों में से 50-50% क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्टूडेंट है, हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ह्यूमन कैरियरी की है, उनमें जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो केवल आपको किस में दे रखे हैं, केवल इलेवंथ में दे रखे हैं। अभी हम आपको दिखा देंगे क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये बात रही एनसीईआरटी की, और एनसीईआरटी में आपको इलेवंथ क्यों इंपॉर्टेंट है ये अभी हम दिखाएंगे स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले हम चलते हैं टॉपिक पर कौन से, फिर बात करेंगे आरबीएससी के स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट अभी एनसीईआरटी के टॉपिक पर हम चलते हैं स्टूडेंट। सो गाइज हमने आपके सामने क्या ओपन किया है, अभी आपके सामने ओपन किया इलेवंथ एनसीईआरटी बायो जी बिल्कुल। और अब काफ़ी सारे स्टूडेंट केवल ट्वेल्थ पढ़ रहे हैं, अभी हम उनको दिखाएंगे क्या कुछ मिस कर रहे हैं बायोलॉजी में वो। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पर देखिए फर्स्ट चैप्टर है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हालांकि इससे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़ा और नीचे चलते हैं हम, अभी आपको दिखाएंगे। ये देखिए स्टूडेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पादप एवं प्राणियों के संरचनात्मक संगठन, पुष्पी पादपों के आकार की, पुष्पी पादपों का शरीर, प्राणियों की संरचनात्मक संगठन, काफ़ी इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट ये, जो स्टूडेंट ने मिस यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ने के पूरे पूरे चांस है। तो बताइए अगर आपने इलेवंथ नहीं पढ़ी तो आपका नंबर कैसे आएगा स्टूडेंट। और नीचे चलते हैं थोड़ा और आपको बताते हैं स्टूडेंट, ये देखिए आपको सभी को पता है कोशिका वाला कितना इम्पोर्टेंट है, तो कोशिका वाला कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये आपके इलेवंथ में दे रखा है। ये देखिए काफ़ी सारे महत्वपूर्ण, क्योंकि ये आरबीएससी को मतलब आरबीएससी ट्वेल्थ की इम्पोर्टेंट क्यों है, इलेवंथ क्यों नहीं, क्योंकि ये जितने भी टॉपिक हैं ये आरबीएससी ट्वेल्थ में बायो में दे रखे हैं लेकिन आपके इलेवंथ में दे रखे हैं, तो इसलिए हम कह रहे हैं स्टूडेंट। और नीचे चलते हैं स्टूडेंट, ये देखिए पादपकारी के जैसा हमने बताया श्वसन, पादपों में श्वसन, ये देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये देखिए मानव शरीर विज्ञान यानी कि पाचन एवं अवशोषण, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट तो यहीं दे रखे हैं, श्वसन एवं गैसों का विनिमय, शरीर द्रव्य एवं परिसंचरण तंत्र, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, उत्सर्जन एवं उनका निष्कासन, गमन एवं संचरण, तंत्रिका तंत्र, काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट तो यहाँ पर दे रखे हैं। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि आपको ये इलेवंथ दिखा रहे हैं कि आपको ट्वेल्थ में और इलेवंथ में बायो की एनसीईआरटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हालांकि फिजिक्स केमिस्ट्री आप ओनली ट्वेल्थ पढ़ सकते हो, फिजिक्स के मेरे ट्वेल्थ कंप्लीट होने के बाद पढ़े, तो इसलिए हम कह रहे हैं। जबकि अब हम चलते हैं ट्वेल्थ पर कि ट्वेल्थ में क्या दे रखा है स्टूडेंट। सो गाइज हमने ट्वेल्थ ओपन कर लिए, तो ट्वेल्थ भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ट्वेल्थ में तो आपके सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जबकि इलेवंथ में हमने बताया कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखिए फर्स्ट इकाई जनन रिप्रोडक्शन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी आपको ऐसे मानो कवर कर लेने, इनमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे अधिकतर ये मानो। और सेकेंड है जेनेटिक्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। और थर्ड की बात करें, ये देखिए रोग वाला चैप्टर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके, तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जो नीचे दे रखें। तो हमने क्या बताया, ये जेनेटिक्स और ये कौन सा दे रखा है रिप्रोडक्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गई आपकी एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी वालों को समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से उससे कौन कौन से पढ़ने, और जो एनसीईआरटी वाले हैं उनको एक रिकमेंड किया जाता है कि आपकी एनसीईआरटी बुक कवर होने के बाद पूरी आप है जो आप फिंगर टिप जो हमने बता रखी है नीचे, उस वीडियो का लिंक दे रखा है जो एनसीईआरटी फिंगर टिप है, प्लीज़ उसे और मतलब सॉल्यूशन कीजिए उसका, क्योंकि उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे दिए गए हैं जिससे आपकी और भी अधिक तैयारी हो और आपके लिए लगभग 100% आपको कन्फर्म हो जाए कि आपका सिलेक्शन RUHS में होगा। तो स्टूडेंट ये तो हो गए एनसीईआरटी के बाद, अब बात करते हैं यहाँ पर आरबीएससी वालों को, कि काफ़ी सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप एनसीईआरटी बता रहे हैं आरबीएससी वालों के लिए बताएं कि आरबीएससी वालों को क्या करना है। देखिए स्टूडेंट जिसके पास आरबीएससी वो केवल आरबीएससी पढ़े, हालांकि आरबीएससी में सभी टॉपिक दे रखे हैं और कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं इंपॉर्टेंट है वो अभी हम बता देते हैं स्टूडेंट। और आपके लिए जो गाइड दी जो हमने एक वीडियो में गाइड बताई हुई है उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप परचेज कर सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट आरबीएससी पर चलते हैं स्टूडेंट।
आरबीएससी पर चलने से पहले हमने एक क्वेश्चन पूछा था, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने उसका जवाब भी दिया कि लगभग स्टूडेंट, ज़्यादातर स्टूडेंट आरबीएससी पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, ये हमने उसमें पाया। तो अभी आपको दिखाते हैं कि ये देखिए स्टूडेंट, हमने क्वेश्चन क्या पूछा था 22 घंटे पहले, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी 42%, आरबीएससी 50%, जबकि केवल गाइड पढ़ने वाले 8%। तो स्टूडेंट इस वीडियो से पता चलता है कि लगभग 50% स्टूडेंट जो है आरबीएससी पढ़ रहे हैं। तो आरबीएससी वालों को कोई मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चलिए आरबीएससी के सिलेबस पर चलते हैं जो 2020 में आया था, जो आपके आरयूएचएस की वेबसाइट पर मौजूद है स्टूडेंट। सो गाइज, हम सिलेबस पर आ चुके हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कौन सा सिलेबस है, 12th का आरबीएससी का सिलेबस मौजूद है जो 2020 में आया था। अब हम आप थोड़ा नीचे चलते हैं, यहाँ पर बता देते हैं कि आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं स्टूडेंट। ये देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले फिजिक्स में दे रखा है स्टूडेंट, पूरा हम एक एक टॉपिक की चर्चा नहीं करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आपको बता देते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फिजिक्स में दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 10 इकाई, यहाँ पर इकाई दे रखी है क्योंकि इसमें भी और भी टॉपिक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले स्थिरविद्युत की आपके लिए इंपॉर्टेंट है, धारावैद्युत की में से क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, और विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ऑप्टिक्स से काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, जबकि 9th का इलेक्ट्रॉनिकी ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये थ्योरी का पोर्शन आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे एवं संचार, ये थ्योरी का पोर्शन है। प्रकाश विद्युत प्रभाव यह भी काफ़ी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, परमाणु एवं नाभिकीय यह भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले आपको हमने बता दिया कौन कौन से आपके इम्पोर्टेंट है, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट। तो आपको पता चल गया होगा फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर पढ़ने हैं। थोड़ा और नीचे चलते हैं और ये देखिए इसके अंतर्गत पूरा दे रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर पूरा आपको क्या करना है, फिजिक्स में आपको बताए रखा है हमने किससे पढ़ना है, बताए रखा है हमने, वीडियो बनाया डेडिकेट, यानी कि आपको फॉर्मूले पूरे है वो एक कॉपी में नोट करनी है, जितने भी फिजिक्स के और उन्हें याद करके उसके द्वारा क्वेश्चन सॉल्यूशन करना है। पूरा वीडियो स्पेशल बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। थोड़ा नीचे चलते हैं, ये देखिए पूरा एक एक जो टॉपिक में कौन कौन सी इकाई में कौन कौन से टॉपिक है यहाँ पर पूरे दे रखे हैं स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए इस बार क्या है कि आपके ये इंपॉर्टेंट है, गेट वाला भी आपके इंपॉर्टेंट है, एंड गेट, नोट गेट, नैंड गेट, अक्सोर गेट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस बार क्या है, ये पिछले साल का है, यहाँ पर आरबीएससी था, इस बार एनसीईआरटी आ सकता है। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये आ गई आपकी केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री भी ठोस अवस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विलयन ये भी इंपॉर्टेंट है, विद्युत रसायन ये भी इंपॉर्टेंट है, रासायनिक बल गति ये भी इंपॉर्टेंट है, पृष्ठ रसायन भी इंपॉर्टेंट है, और पी और डी एफ ब्लॉक ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तत्वों के निष्कर्षण एवं सिद्धांत, और बहुलक भी इंपॉर्टेंट है, जैवाणु भी इंपॉर्टेंट है, उपसर्जयोगी और हैलोजन व्युत्पन्न ये सभी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। आप इसे आसानी से रीड कर सकते हो और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि सर हमारे पास तो आरबीएससी, हम तो आरबीएससी पढ़ रहे हैं, आरबीएससी में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन उठेंगे स्टूडेंट, हम बता देंगे आपको स्टूडेंट। तो आपको एनसीईआरटी जिसके पास वो एनसीईआरटी पढ़े, जिसके पास आरबीएससी वो आरबीएससी पढ़े। तो चलिए और स्टूडेंट, ये देखिए इनके इसमें पूरा आपको दे रखा है कौन कौन से मतलब टॉपिक में कौन कौन से चैप्टर हैं स्टूडेंट, ये देखिए पूरा यहाँ पर दे रखा है, बहुलक के बारे में पूरा दे रखा है स्टूडेंट। तो चलिए ये आ गई बायोलॉजी, अब बायोलॉजी में बात करते हैं स्टूडेंट। तो हमने बताया था यहाँ पर देखिए आवृतबीजी पादपों में जनन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखिए ये इसमें ये आरबीएससी है। अब आरबीएससी में आपको क्या है, 11th इतनी महत्वपूर्ण नहीं रखती है, जबकि एनसीईआरटी में 11th बहुत ही महत्व रखती है, क्योंकि 11th जो 12th है उनमें ही सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर दे रखे हैं आरबीएससी में, जबकि एनसीईआरटी में 11th 12th दोनों में, इसलिए हम कह रहे थे कि बायो है वो आरबीएससी को, आरबीएससी वालों को केवल 12th पढ़नी है स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर ही दे रखे हैं स्टूडेंट, ये देखिए और नीचे चलते हैं, ये देखिए पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर दे रखे हैं आपको, ये देखिए यहाँ पर ये मानव कार्य की ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये एनसीईआरटी में कहाँ दी हुई थी आपको पता है क्या, ये एनसीईआरटी में ये 11th में दी हुई थी स्टूडेंट, एनसीईआरटी 11th, और यहाँ पर क्या दी हुई है, ये आरबीसी है तो यहाँ पर 12th में दी हुई है। तो इस प्रकार हमने कह रहा था कि 12th में तो 12th की इंपॉर्टेंट दी हुई है, लेकिन एनसीईआरटी में 11th भी आपको पढ़नी है, वहाँ पर भी दी हुई है। तो ये देखिए अध्यावरणीय तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर 11th में दे रखे हैं। तो
आरबीएससी वालों को जो 11th है इतनी महत्व नहीं रखती है। देखिए जेनेटिक्स भी यहाँ पर दे रखा है स्टूडेंट। तो ये रही सिलेबस की बात। अब सभी स्टूडेंटों को पता चल गया होगा कि उसे क्या पढ़ना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पढ़नी चाहिए आपको, आरबीएससी पढ़नी चाहिए या फिर एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या फिर गाइड पढ़नी चाहिए। ये देखिए आरबीएससी वाले आरबीएससी पढ़े, आपको गाइड पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी एनसीईआरटी पढ़े वो भी गाइड पढ़ सकते हैं। गाइड इंपॉर्टेंट है, अब आपका गाइड का भी समय है। तो गाइड का वीडियो हमने बनाया, कौन कौन सी बुक पढ़नी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन है। उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो पूरा सिलेबस का पूरा कन्फ्यूजन है वो आपके समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके, और फॉरम आपके आने वाले हैं, जब भी फॉरम आएगी सबसे पहले आपको इसी चैनल पर अपडेट मिलेगा। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।